जहां एक ओर प्रदेश सरकार आवारा पशुओं को पालने के लिए गौशाला बना रही है, वहीं देवास जिले में जनपद पंचायत बागली एवं ग्राम पंचायत कमलापुर की मिली भगत से सालों से बंद पड़े बुचर खाने को खोलने का अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस पर कमलापुर के हिंदू समाज ने इस चीज का विरोध किया है। बागली SDM के नाम नायक तहसीलदार सुभाष सोरेन को ज्ञापन सौंपा गया। इसके पश्चात कार्यकर्ताओं ने एक बागली थाना प्रभारी को भी दिया। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि कमलापुर में यदि बूचरखाना फिर से शुरू होता है तो क्षेत्र का माहौल खराब होगा और कई आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, जिसके कारण इस पे रोक लगनी चाहिए। न्यूज लाइफ MP के लिए देवास से रईस पठान की रिपोर्ट। कमलापुर में बूचरखाना खोलने के संबंध में जानकारी मिलने पर पूरा कमलापुर और पूरा आसपास का अंचल में बहुत आक्रोश की अभिव्यक्ति है और ये निश्चित रूप से एक हिंदू समाज की आस्था पर बहुत कुठाराघात है। प्रजातंत्र में जो हमें अधिकार दिए उन अधिकारों के तहत हम अपने अधिकारों के साथ यहाँ पर बड़े जनसैलाब बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आक्रोशित होकर इस संबंध में हम कमलापुर बंद का आह्वान भी कर सकते हैं और तहसील बंद का आह्वान भी कर सकते हैं और हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस प्रकार के निर्णय पर पुनर्विचार करें और बूचड़खाना खोलने की यदि इस प्रकार की कोई अनुमति दी गई तो उसका हम गहरा विरोध करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslifemp.com।